हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सेल साइज एंड शेप्स। तो यहाँ पे जैसे आपको पता ही है, आपने बहुत तरीके के सेल्स देखे होंगे, तो सेल्स की जो साइज़ होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स जो है एक ही तरह की साइज़ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे सेल साइज़। तो सेल साइज़ में आपको याद रखना है कि सेल साइज़ में जो सेल है वो क्या करता है, इट शोज़ ग्रेट वेरिएशन, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की साइज़ जो है सेल शो करता है, ठीक है, शोज़ ग्रेट वेरिएशन। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ। ये जो भी आपको मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ इज़ माइकोप्लाज्मा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज PPLO। ओके, क्या है PPLO? प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो इसको PPLO भी बोलते हैं, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसकी साइज़ कितनी होती है, इसकी साइज़ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। दिस इज़ द साइज़, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है अर्थ पे, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल पूछा जाता है कौन सा है, तो वो भी आप याद कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा कैलीसेप्टिकम। दिस इज़ द स्पीशी ऑफ माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की। सो लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ इज आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच एग। आपने सुना ही होगा ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है अर्थ पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू लॉन्गेस्ट सेल। तो वॉट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल, इज़ द न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। जो नर्व सेल्स होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है और लॉन्गेस्ट कौन सा है, ठीक है। सो प्लांट्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सा है, साइकस ओव्यूल। तो साइकस जो आपका है दैट इज़ अ जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होगा यहाँ पे, साइकस का जो ओव्यूल है वो प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल है। अब बात करते हैं हम सबसे लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है फ्लोएम फाइबर ऑफ बोहेमीरिया नीविया। दिस इज़ द प्लांट, इसको हम कॉमन नेम में रेमी प्लांट भी बोलते हैं। इसका जो फ्लोएम फाइबर होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है, ठीक है। बहुत लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स होते हैं इसमें जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करे जाते हैं। सो दिस इज़ द मतलब बोहेमीरिया नीविया, रेमी प्लांट भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है कि इसका जो फ्लोएम फाइबर है वो सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया का क्या साइज़ होता है। बैक्टीरिया, एक जो बैक्टीरिया है उसका क्या साइज़ होगा। सो बैक्टीरिया का साइज़ होता है अराउंड 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब ह्यूमन आरबीसी का साइज़ भी पूछ लिया जाता है, तो व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ ह्यूमन आरबीसी, इट इज़ 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। आप कई बार ये भी पूछ लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ किडनी लिवर एंड सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइज़ हम देख रहे हैं किडनी लीवर एंड सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब आपकी बॉडी के कुछ सेल्स की साइज़ भी पूछ ली जाती है, तो उनकी साइज़ कितनी होती है, 20 to 50 माइक्रोमीटर,
ठीक है। तो ये कुछ सेल के बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है कि सेल जो है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज PPLO। लार्जेस्ट सेल इज़ ऑस्ट्रिच एग, ओके। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन। अब यहाँ बात करेंगे हम कि प्लांट्स के अंदर लार्जेस्ट सेल है साइकस का ओव्यूल एंड लॉन्गेस्ट सेल फ्लोएम फाइबर, ठीक है। कई बार ह्यूमन बॉडी में पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है एंड सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म सेल, ओके, एंड लार्जेस्ट सेल इज एग। सो ये कुछ ह्यूमन बॉडी के कंटेक्स्ट से आपको याद रखनी है चीज़ें कि स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म सेल एंड लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? एग, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेल शेप्स के बारे में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो सेल का शेप होता है इट मे बी फिक्स्ड थ्रू आउट द सेल, मतलब जो सेल की लाइफ है उसमें फिक्स भी रह सकता है बट वो शेप चेंज भी हो सकता है। और चेंज कब होगा? अलॉन्ग विद द फंक्शन, जैसा जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके साथ साथ उसका शेप भी चेंज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सेल का शेप है मे बी फिक्स्ड थ्रू आउट और इट मे वेरी विद द फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखनी है कि ये फिक्स भी रह सकता है और ये फंक्शन, जैसा जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करेगा उसके साथ सेल का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टर्म देखना है, दैट इज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक, सो व्हाट इज प्लियोमॉर्फिक? प्लियोमॉर्फिक में एक्चुअली आपको दो टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक प्लियो है और दूसरा मॉर्फिक है। तो प्लियो का क्या मतलब होता है? इट मींस मैनी एंड मॉर्फिक मींस फॉर्म्स। तो ऐसा सेल जिसके बहुत सारे फॉर्म्स हो उसको क्या बोलेंगे हम? प्लियोमॉर्फिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक सेल का जो एग्जाम्पल है दैट इज माइकोप्लाज्मा और इट इज़ ऑल्सो नोन एज PPLO, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो जो माइकोप्लाज्मा है इसको हम प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं बिकॉज ये अपना शेप जो है चेंज करता रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए माइकोप्लाज्मा और PPLO इज ऑल्सो नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जिस तरीके से जोकर अपना बार बार मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स अपना जो है मतलब चेंज करता रहता है ना, अपना हुलिया बदलता रहता है, उसी तरीके से जो सेल है माइकोप्लाज्मा जो सेल है वो भी अपने शेप्स बहुत कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कुछ इम्पॉर्टेंट शेप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इम्पॉर्टेंट शेप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट शेप्स हैं सेल्स के वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल शेप कौन से सेल का होता है? थायरॉयड ग्लैंड फॉलिकल। थायरॉयड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स हैं जो सेल्स हैं वहाँ पे उनका शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल, ओके। सो यहाँ पे दूसरा हम देख रहे हैं इलोंगेटेड, दूसरा शेप है इलोंगेटेड। सो इलोंगेटेड शेप किस में होता है ह्यूमन बॉडी में? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, न्यूरॉन्स का शेप कैसा होता है? इलोंगेटेड, राइट। उसके बाद हम देखते हैं 2-3 लोब्ड, ये एक ऐसा शेप किस में मिलेगा? WBC के न्यूक्लियस का, ठीक है। WBC इज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनका शेप कैसा होता है? 2-3 लोब्ड। नाउ कमिंग टू दी डिस्क शेप, डिस्क शेप क्या होगा, कौन से सेल्स का होगा डिस्क शेप? RBC का, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, और इनको हम और क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रांच शेप्ड। ब्रांच शेप कौन से सेल्स होते हैं? पिगमेंटेड सेल्स
ऑफ स्किन, स्किन के जो पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं जो पिगमेंट को स्टोर करते हैं उनका शेप कैसा होता है, वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पिंडल शेप। सो स्पिंडल शेप में कौन से आ जाएंगे, स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स कैसे सेल्स होते हैं, स्पिंडल शेप सेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल शेप्स, कितनी तरह के सेल के शेप्स होते हैं ये सारे आपको याद रखने हैं। सेल के साइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एक एक एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।